सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति मशहूर कवि प्रदीप है, जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाना लिखा था। वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग 15 अगस्त को लेकर कहते हैं, शौक पर रहना चाहिए, अब मिलिट्री के रेस्टोरेंटों में अच्छे अच्छे खाने बनेंगे। क्या चीज मिली थी हमने उस दिन? क्या कोई और भी ऐसा देश है जिसका मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ है? और सिर्फ किस लिए वो गया? एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नेताजी का निकालना यहां से, जीना का कांग्रेस से निकालना, क्या जाहिर करता है ये? सरदार पटेल को पीछे धकेल देना, ये क्या एक साजिश थी हमारे साथ? तो ये लोगों से सवाल पूछना है, मैं लोगों से पूछता हूं, आप भी पूछो लोगों से कि ये बात क्या थी, आज तक क्यों नहीं बात समझ में आई किसी की? कम से कम इसको शोक दिवस तो मना लो। ये वीडियो शेयर करते हुए सांप्रदायिक दावा किया जा रहा है। मशहूर गाना ए मेरे वतन के लोगों लिखने वाले कवि प्रदीप की कविताएं और गीत हमेशा ही देशभक्ति से भरे रहे हैं। राष्ट्र कवि प्रदीप को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1998 में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ये वीडियो कवि प्रदीप का बताते हुए वायरल है, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने जब इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की तो कुछ और ही बात सामने आई। वायरल हो रहे एक वीडियो में केशव फिल्म्स लिखा है, इसे ध्यान में रखते हुए सर्च करने पर हमें इस शख्स का एक वीडियो मिला। 22 नवंबर 2017 को अपलोड किए गए इस वीडियो के कैप्शन के मुताबिक, इसमें दिख रहे व्यक्ति हरियाणा सरकार के सहकारी समिति विभाग में काम करने वाले गुलाब सिंह राजपूत है। 22 नवंबर 2017 को इस चैनल ने यही वीडियो पोस्ट किया था जो अभी वायरल हुआ है। ये चैनल केशव मेहता नाम के व्यक्ति चलाते हैं। उन्होंने ऑल्ट न्यूज को बताया कि वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग गुलाब सिंह राजपूत है, न कि कवि प्रदीप। आगे ऑल्ट न्यूज ने कवि प्रदीप की बेटी मितुल प्रदीप से बात की। उन्होंने कहा कि ये वीडियो उनके पिता का नहीं है। कवि प्रदीप 24 साल पहले ही गुजर चुके हैं। वायरल वीडियो के संदर्भ में मितुल प्रदीप ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो जैसा कि आपने देखा, वीडियो में दिख रहे व्यक्ति कवि प्रदीप नहीं है। केशव मेहता के मुताबिक वीडियो में हरियाणा के गुलाब सिंह राजपूत हैं। हालांकि ऑल्ट न्यूज स्वतंत्र रूप से उनकी पहचान की पुष्टि नहीं करता।